से उत्तर प्रदेश आए, अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात को नहीं छोड़ते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तेलंगाना के खम्भ में भारत राष्ट्र समिति यानी कि PRS की महारैली में गए थे, लेकिन इस महारैली में अखिलेश यादव के निशाने पर केंद्र और योगी सरकार ही रही। अखिलेश यादव ने BJP के लिए एक भविष्यवाणी तक कर डाली, कहा मोदी सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ 399 दिन ही बचे हैं। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है, अब तो 399 दिन बचे हैं। इतना ही नहीं, मंच पर अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश का रास्ता अपनाना ही पड़ता है। यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, अगर किसान कभी इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ा होगा तो यहाँ के किसान इकट्ठे होकर के अपनी आवाज बुलंद कर करके उस समय की हुकूमत को हिला के रख दिया। उधर गंगा विलास क्रूज के बहाने अखिलेश ने सरकार को जमकर घेरा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के, जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां भारत सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में है, एक एक सरकारें जो चुनी हुई उनको परेशान कर रही है, चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके BRS की पार्टी की सरकार हो, जो सहयोग और जो मदद। अखिलेश यादव निशाना तो केंद्र सरकार पर साध रहे थे, लेकिन तेलंगाना में अखिलेश यादव ने बड़े बड़े दावे और वादे भी कर डाले, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनकी भी नजर बनी है।